हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सिमरन पंजाबी। चैनल में खास तौर पे पंजाबी दे स्टूडेंट ने बनाया जो एंटी एग्जाम ते नाल दे नाल मास्टर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इतने आके वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इतने वीडियोस अपलोड की हुई ने। वीडियोस जाके तुसी देख सकते हो, नाल दे नाल कम्यूनिटी बॉक्स के मैसेज भी रोज़ चैक कराया करो, क्योंकि उस दे विच भी रोज़ कुछ ना टॉपिक मैं जरूर ऐड करती रहनी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस तुसी देख सकते हो। साहित्य वाले शॉर्ट टॉपिक है जिस जिन्हें भी तुसी शॉर्ट दे विच सारियां वीडियो देख सकते हो। लोकधारा वाले टॉपिक है, भाषा वाले टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सो ये चीज़ा जड़ियाँ है तुसी नाल दे नाल देख सकते हो। सो टॉपिक जिहड़ा है गवा मास्टर ग्रेड के स्टूडेंट वास्ते नैक्सट अज का असी करांगे, जिस दे विच साडे कोल सब तो पहला आंदे हैगे ने कुलवंत सिंह विरक बारे असी थोड़ा जिहा पढ़ांगे, ते नाल जिहड़ा है गवा इन्हां दे बारे नैक्सट भी करांगे। ठीक है, सब तो पहला है साडे कोल कुलवंत सिंह विरक। कहिंदे कुलवंत सिंह विरक का जन्म हैगा सी पिंड फुल रमन जिला शेखूपुरा पाकिस्तान विच। आसा सिंह दे घर माता ईशा कौर की कुखों 21 मार्च 1921 नूं होया। विरक ने एफ सी कॉलेज लाहौर तो बी ए करन उपरंत खालसा कॉलेज अमृतसर तो एम ए अंग्रेजी की डिग्री हासिल की। लाहौर के लॉ कॉलेज तो उन्होंने वकालत भी की। विरक ने फौज विच अफसरी तो इलावा प्रेस इनफॉर्मेशन अफसर ते जाइट डायरेक्टर इनफॉर्मेशन दी नौकरी भी इन्होंने की सी। आप कुछ समा मुख्यमंत्री पंजाब दे पीए भी रहे। आपने जागृत एडवांस ते वीर भूमि रसालिया की संपादना भी की। विआह डॉक्टर करम सिंह गरेवाल की लड़की हरबंस कौर नाल 1949 च होया, जिस तो आपने आपके घर दो लड़के ते तीन लड़कियां का जन्म होया। विरक ने साहित्य की कहानी विदा ते हथ अजमाया ते अजीत कौर उसनू पंजाबी कहानियां दा बादशाह कहा है। आपने अपनी कहानी विच मानवता की गल की ते मनुख दे आशावादी नजरिए नू पेश किया, इसलिए उस दीआं कहानियां विच दुखांत पक्ष पारू नहीं हुंदा। आप दी कहानियां विच देशवंड, काम तृप्ति, नवी औरत दा संकल्प, किरसानी जीवन, पेंडू सभ्याचार आदि पक्ष चलदे ने। आपनों पंजाबी कहानी संग्रह नवे लोग 1969 दे विच पंजाबी साहित्य अकैडमी का पुरस्कार मिलिया। मौत 24 दसंबर 1987 नूं टोरंटो कैनेडा विखे हुई। हुण इन्हां दे कहानी संग्रह दे बारे देखो। पहला आइंदा साडे कोल छा वेला, पंजाब च धरती ते आकाश, तूड़ी दी पंड एकस के हम बारिक, दुध दा छप्पड़, दुआ दशी, गोलां, विरक दियां कहानियां, नवे लोग, अस्तबाजी, मेरियां सारियां कहानियां। उपरोक्त कहानी संग्रह तो इलावा इन्हां दा जिन्ना इन्हां ने नोबल पुरस्कार भी जीता। अर्नेस्ट हेमिंगवे दी पुस्तक अ फेयरवेल टू आर्म्स दा अनुवाद शस्त्रा दो विदायगी सिरलेख हेठ किया सी। इस तो अलावा इन्हों के कुछ हूँ प्रमुख कहानी संग्रह ते सरसरी चार। सब तो पहला आंदा साडे कोल छा वेला, कुलवंत सिंह विरक का पहला कहानी संग्रह 1950 छा वेला सिरलेख अधीन छपया सी। कहानी संग्रह च कुल 17 कहानियां उजाड़ तो लैके ए मूहली जिड्डे डोले दर्ज ने। इन्हां विच उन्होंने अपने पात्रा प्रति हमदर्दी भरे भाव ही उसने मानववादी कहानी वार होने की अगवाई उसके पढ़ते ने। छा वेला जड़ी हैगी है इस दे विच एक अंतर्गत जड़ी विरक ने जिहड़ा हैगा सी संत सिंह सेखों की कहानी पत्ता तो प्रभावित होके ये वाली जड़ी लिखी सी छा वेला कहानी। एक कहानी जिथे पेंडू जीवन की झलक पेश करती है, खेतों विच काम करते तेजू वर्गे नौजवानों की कामिक अतृप्ति की भी उजागर करती है, तो जिसका एहसास उन्हों छा वेला लैके आउंदी करतारी सदका हुंदा है। चाचा जड़ा है गवा कहानी नैक्सट जो कि छा वेला संग्रह विच दर्ज होने तो पहला 1944 दे विच लिखी जा चुकी सी, विच भी वह काम की तृप्ति का मनुख ते प्रभाव उलीक के जिंदगी विच काम इच्छा की सुभाविक पूर्ति लई आवाज उच्ची करता है। उपरोक्त कहानियां विच जिथे मानववाद के अंश मिलते हैं उत्थे जवानी के अतृप्त भाव भी झलकते हैं। मास्टर भोला नाम जिहड़ा गवा एक अजिहे मास्टर की मनोदशा नूं बयान करती है जिसनूं अपने समय के मौजूदा आर्थिक समाजिक ढांचे विच हर समय अपनी नौकरी जिहड़ी हैगी उसके खुस जाण दा डर लगा रहिंदा है। उजाड़ एक जिहड़ी कहानी हैगी आ विकास कारण बदलदे राहां नाल बरादरियां ते लोकां दे आपसी संबंध, भाईचारे ते मिलवर्तन विच आ रहे बदलाव नूं पेश करदी ने। इस दे विच आला सिंह अजिहा पात्र है जिसके जन जीवन नूं विकास दे नां ते बदल रहा समाजिक ढांचा जिहड़ा वा काफ़ी प्रभावित करता है। ते इस तरह छा वेला कहानी संग्रह दीआं लगभग जिहड़ियां हैगीआं कहानियां उसदे मानववादी सुभाव नूं ही पेश करदीआं हन।
नेक्स्ट आएंगे है कि सड़को धरती ते आकाश दूजा कहानी संग्रह है गए जो कि 1951 दे विच छपिया सी। अंतर्गत कुल 13 कहानियां ने जो कि खब्बल तो लैके निक्की कहानी बारे तक दर्ज ने। ये सारी इन्हां दे विच कहानियां जिहड़ियां दर्ज ने संग्रह दे विच। धरती ते आकाश इस संग्रह दी मुख कहानी धरती ते आकाश चम्मी नां दी औरत दे मनोभावां नूं व्यक्त करती है जो बेहद ही खूबसूरत है। तो उसका मानना है कि जे परमात्मा ने उसनूं खूबसूरत बनाया है तो उसनूं भी कुछ खास करना चाहिए है। इस तरह वो कहानी औरत दे कुछ करके दिखाउण दे हौसले नूं बयान करती है। ओपरी धरती ये जिहड़ी कहानी अपनी धरती दा हेस दे ओपरी धरती दी मार नूं बयान करती है। कहानी का पात्र हजारा जो कि एक चोर सी उसनों भी पाकिस्तान बनने मगरों अपनी धरती का हिस्सा होता है। यह व्यक्ति ते जन्म भूमि नाल जुड़े भावुक संबंधा विचों उपजे दुखां दी कहानी है। खब्बल कहानी विरक दी देशवाड़ना संबंधित कहानियां विचों उत्कृष्ट हैगी है। तो यह कहानी दसदी है भावें किन्नी भी तबाही हो जाए मनुख के अंदरों जिहड़े जीवन की आस हैगी वह खत्म नहीं होंगी। ठीक उसी तरह धरती विचों खब्बल उगनों हटदा नहीं। कुत्ता ते हड्डी जड़ी हैगी नामक कहानी दे विच लेखक ने मनुख दी कुत्ते वाली बिरती उत्ते झात पवाउंदे नायक दी प्रवृत्ति नूं कुत्ते दी प्रवृत्ति दे नाल चिह्नित कीता। विरक वल्लों इस कहानी राही हाबड़ी काम भुख ते व्यंग जिहड़ा कस्या गया है। मुर्दे दी ताकत विच मनुख दी झूठी हउमै ते उत्ते व्यंग कस्या गया है। इस तरह धरती ते आकाश विचलियां जिहड़ियां कहानियां विच देश वंड दे नाल नाल काम तृप्ति दे अहसास मन की हउमै भावना ते अपनी भूमि नालों टुट जाण दा वेरवा आदि विषय ते यथार्थ पद्धर ते पहुंच के बयान करती है। एकस के हम बारीक ये कहानी जिहड़ा संग्रह से 1955 से छपिया सी। इस संग्रह दे विच कुल 17 कहानियां जो कि मेरी नज़र विच तो लैके मेहर गुल तक दर्जन ने ये सारिया कहानियां इस कहानी संग्रह च मिलदियां ने। मैनू जानने कहानी भी विरक दे मानववादी सुभा दी लिखाई है। कहानी विच शरणार्थी नूं जदों पता लग जांदा है कि उस नूं भी कोई जानदा है तो उस दी मुर्दा रूह धरती दे नाल दुबारा सांझ पा लैंदी है ते उस दे अंदर जिंदगी दी एक बुझी चिणक फिर मग जांदी है। पौणा आदमी नैक्सट कहानी हैगी है जिस विच देश दी आजादी दा उतरा उतना चिर कोई लाभ नहीं हुंदा जिन्ना चिर समाजिक आर्थिक प्रबंध विच कहिंदे कोई तब्दीली नहीं आउंदी कि इस आजादी दा कोई फायदा नहीं जिन्नी देर तक सानूं कोई लाभ इस तों प्राप्त नहीं हुंदा। एकस के हम बारीक विच काम दा जज्बा एक अजिहा सर्व व्यापक जज्बा है जो सभना जाता रंगा श्रेणियां दे विच विद्यमान है। तो एकस के हम बारीक इस जज्बे नूं प्रगटाउंदी है। दुद्ध दा छप्पड़ कहानी संग्रह नैक्सट जो कि 57 च छपिया इस लई भाषा विभाग पंजाब वल्लों 59 दे विच उन्हां नूं सन्मानित किया गया। 13 कहानियां ने जो कि शेरनियां तो लैके बाबू राम सरूप तक दर्ज ने। शेरनिया कहानी उस विकास ते नवे रोजगार दी बात पौंदी है जिथे विद्या दे प्रभाव राही इस दी जाति विच नव चेतना दा संचार जिहड़ा होण लगदा है। कहानी दा केंद्र दो औरतां दा है जो आधुनिक युग विच औरतां दी बहादुरी बराबरी ते निडरता नूं रूपमान करदियां ने। दुद्ध दा छप्पण नैक्सट गेन है जो कि पेंडू माहौल नूं जीवंत करदी एक वधिया कहानी है। यह कहानी सांझे घरां जां कम्मां विच सदा एक धिर दे कमजोर होण ते दूजी धिर दे हावी होण दी सच्चाई नूं उजागर करती है। धरती हेठला बुलद जिहड़ा हैगा वा सही मायने दे विच इह जिहड़ी हैगी सी मानवता दी तस्वीर पेश करती है। मनुख दे मन विच छुप के बैठी सुहिरदता नूं खूबसूरती नाल पेश जिहड़ा कीता जांदा है। कहानी दे विच दर्शाया गया है कि धरती उत्ते अजिहे बंदे भी हन जो अपने दुख दी थां दूजियां दे सुख दी जिहड़ी चिंता ज्यादा करदे ने। गोला यह कहानी संग्रह 61 दे विच छपिया सी। इस दे विच 15 कहानियां ने बिगानी चीज तो लैके एक कुड़ी दा दाज तक दर्ज ने। दात दाते कहानी राही विरक ने उस गरीब परिवार दी तस्वीर लगी है जो निक्किया निक्किया सदरां पूरियां करना चाहुंदी है। कहानी दी मुख पात्र गीता भी घर दे निक सुख तो लैके अपने बच्चों की इच्छा तो पूरी करना लोचदी है पर वह की गई परिस्थितियां हथों मजबूर है। कहानी के अंत में विरक ने हमेशा की तरह सुखद अहसास को पेश किया है जो गीता के बच्चे वह निक सुख खरीद लेंदे हैं जो मजबूरी बस गीता नहीं खरीद पाती। माखियो की छली जड़ी हैगी है यह भी काम अतृप्ति के भावों उजागर करती है। कहानी का मुख पात्र प्रेम जो जलसे में प्रकाश नाल किसी कुड़ी देखता है तो उसके मन अंदर एक कसक जी पैदा होंगी है कि कोई उसके कुड़ी उसके नेड़े नहीं टुकती। नवे लोग यह भी संग्रह 67 च छपिया 21 कहानियां ने इस दे विच रस भरियां तो लैके जो परछावां तक दर्ज ने। 69 दे विच इस वास्ते उन्हां नूं अवार्ड भी मिलिया सी। कुदेसी ये जिहड़ी कहानी विच रूसी नौजवान लई हमदर्दी ते सरकार दे रवैये ते व्यंग कस्या गया है। कहानी विचों विरक दी विश्वव्यापी मानववादी पहुंच जिहड़ी है
उजागर होंदी है। नेक्स्ट देखो साढ़े को अगला जरा आइंदा दवा मुंडो सुडो कहानी जड़ी राही लेखक ने दर्शाया है कि नाश ते विकास बर्बादी ते आबादी नालों नाल जड़े चलते हैं। कष्ट निवारण राही मनुखी फितरत ते बयान किया गया है कि किस तरह आम मनुख अपने आप नु कष्ट विचों कढ़ने लई किसी होर नु कुर्बानी दा बकरा बनाउण तों बिल्कुल भी नहीं गुरेज करता। इस तरह विरक ने अपने सारे जड़े हैगे ने सारे ही कहानी संग्रह विच मनुखी मन दे वलवलियां नु उजागर जड़ा कीता है। तूड़ी दी पंड ते अस्तबाजी कहानी संग्रह विच भी मनुखी मन दी स्थितियां ही किसी ना किसी ढंग नाल बयान हुंदियां नजर आउंदियां ने। अगे देखो नेक्स्ट जड़ा आएगा साढ़े कोल इन्हां नू जिहड़े सन्मान मिले सी भाषा विभाग पंजाब वालों मिले सी ते साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिले सी। भाषा विभाग पंजाब वालों श्रोमणी साहित्यकार जिहड़ा अवार्ड दिता गया सी। उस तो इलावा नैक्सट आंदे हैगे ने साढ़े कोल नवतेज सिंह जो कि जन्म इन्हां दा एक मिनट रुको जरा दो मिनट रुको। ओके नेक्स्ट देखो हुण इस दे विच नवतेज सिंह दा जिहड़ा जन्म हैगा वो 8 जनवरी 1925 नूं गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी दे घर सियालकोट पाकिस्तान विखे जिहड़ा होया सी। आपने मनोविज्ञान दे विषय ते एमए पद्धर दी जिहड़ी उच्ची जिहड़ी विद्या हासिल कीती सी। आप दा विआह जिहड़ा हैगा सी साबका टेनिस खिडारी राही रही महेंद्र कौर दे नाल होया जिस तों आप दे घर 4 पुत्र बाबलो सुमित ऋतुराज ते रतिकंत दा जन्म होया सी। आप दी मौत तो मगरों आपने प्रीतलड़ी रसाले दा सारा काम काज आपने संभालिया सी ते इस रसाले लई मेरी धरती मेरे लोक कालम अधीन लिखे संपादकी लेख जिहड़े हैगे सी आप दे बहुत ज्यादा जिहड़े प्रसिद्ध होए सी। आप एक संपादक फीचर लेखक निबंधकार ते सरगर्म रासिक कारकुन दे नाला कहानीकार भी आप सी। ओके सो नेक्स्ट जगह इस दे विच अगे कि आप एक जड़े गए सी रोमांटिक ते प्रतिवादी एक मिनट जरा ओके सो नेक्स्ट ही गवाह कहते हैं कि आप एक रोमांटिक ते प्रतिवादी कहानीकार के तौर पर जाने जाते रहे। आपने शोषित वर्ग के जेडे लोग से उन्हों दी समस्यावां अपनी कहानियां राही पेश किया सी। यथार्थ बयानी तिखा व्यंग ते अकटनावी गुंजल पैदा करनी आप दी जिहड़ियां विशेष कथा युक्त सी कहानी दी। देहांत अमृतसर विखे 12 अगस्त 81 नूं कैंसर की बीमारी के नाल होया सी। अगे इन्हां दे कुछ कहानी संग्रह देश वापसी नवी रुत बासमती दी मह चानन दे बेज पाइया बाज कोट ते मनुख बहार आउण तक समुचियां कहानियां सी। होर रचनावां दे विच दोस्ती दे पंध सब तों वड्डा खजाना चैखोव दीआं चोणवीआं कहानियां फांसी दे तख्ते नवतेज सिंह दीआं कहानियां ते सरसरी चंद देश वापसी जो कि इन्हां दा कहानी संग्रह 55 दे विच प्रकाशित होया। इस दे अंतर्गत कुल 16 कहानियां जो कि देश वापसी तो लैके सोहनी सवेर तक दर्ज ने। संग्रह दीआं ज्यादातर कहानियां विच समाज विच पसणीआं औंकड़ां नूं बयान करदीआं ने। इन्हां औंकड़िआं तों निजात पाउण दे जज्बे नूं वी कई कहानियां राहीं ही प्रगटाया गया है। देश वापसी परदेश तों अपने देश परतण दी लोचा रखण वाले दो इंसानां दी जिहड़ी कहानी दसी गई है जिन्हां दे दिल विच मजहब दे नां ते कोई भी वैर भावना नहीं परंतु देश परतदे ही मजहब दे नां ते उन्हां दा कतल कर दित्ता जांदा है। कहानी देश आजाद होण तों पहलां मजहब दे नां ते होए दंगिआं दे चित्र नूं उलीकदी है। बशीरा जिहड़ा हैगा कहानी बाल मन दीआं उडानियां नूं संगल पा के रखण वाले निजाम विरुद्ध विद्रोह छेड़न ते अजिहे निजाम नूं बदलण दे हौसले नूं बयान करदी है। कहानी बचपन दे दो दोस्तां दी है
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਗਵਾ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਵਾ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ 17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਲਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੁਗਿੱਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛ ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਿਓ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਖਾ ਅਰੈਸਟ ਰੁਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਿਨ ਚੱਪੂਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਲਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਦਰਾਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ 1960 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁੱਲ 12 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਅਜੂਬੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡ ਮਗਰੂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਣਧੀਰ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਖਵੰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਣਧੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕੋਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 63 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁੱਲ 23 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਰ ਦੀ ਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਿਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੇਰਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਘੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਨਣ ਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੋ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਸੋਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 74 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 21 ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਦੇਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਵਤੇਜ ਦੇ ਲਿਖੇ 5 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ 12 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਸਕੋਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੂ ਤੇ ਟਾਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਰਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 57 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੋ ਟੋਪਿਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।